तो मैं आपको मेडिटेशन के बारे में कुछ बताना चाहूँगी, अपना एक्सपीरियंस कुछ शेयर करना चाहूँगी। अगर आपको भी कुछ पूछना हो इससे रिलेटेड या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। मेडिटेशन से क्या होता है, आज के टाइम में इतना बिजी टाइम होता है या किसी चीज़ का कोई स्ट्रेस ना हो, कैसे मैनेज करें अपने लाइफ को सुबह से लेके शाम तक? तो वो सिर्फ सुबह के 15 मिनट, अगर ज़्यादा टाइम नहीं हो आपके पास तो 10-15 मिनट या ओम चैंटिंग करते या कुछ मेडिटेशन करते हैं। इससे क्या होता है, हमारा मन शांत होता है। तो चीज़ों को कैसे मैनेज करना है हम, उससे हम फिर समझ आती है कैसे हमें चीज़ों को अरेंज करना है अपनी सुबह से लेकर शाम तक की डेली रूटीन जो लाइफ होती है उससे। और मेडिटेशन से मन भी शांत रहता है। मेडिटेशन के साथ हमें प्राणायाम योग भी करना चाहिए, वो भी बहुत ज़रूरी है। अगर हम 15-20 मिनट उसको भी टाइम दें, फिजिकल और मेंटली दोनों फिट रहने में बहुत ही ज़्यादा सहायता मिलते, बहुत ही ज़रूरी है। तो हमें ये दोनों चीज़ करनी चाहिए, इससे बहुत स्वस्थ को स्वस्थ रखा जाता है। तो ये करनी चाहिए सबको। देखो दोस्तों, मैं यहाँ पे धाम में आई हुई थी, देख सकते हो यहाँ पे। अभी स्वामी चेतन जी भी आने वाले हैं लाइफ में। आपको और कुछ क्वेश्चन हो, आपके मन में कुछ पूछना हो, किस कैसा ही भी ध्यान को लेके या प्राणायाम को लेके आप पूछ सकते हो। तो सभी को प्रणाम दोस्तों। तो आज ये मुक्ता जी का फर्स्ट लाइव है, तो उम्मीद है दोस्तों आप सबकी लाइफ सही चल रही होगी। मेरे को तो काफ़ी सारे लोग जानते हैं जो मुक्ता जी के चैनल पर आए हुए हैं। तो आज मुक्ता जी आप भी तभी मुक्ता जी काफ़ी कुछ एक्सप्लोर कर रहे हैं, काफ़ी कुछ सीख रहे हैं, तो आज मैं इनके साथ हूँ। वैसे मैं अपने बारे में बता देता हूँ, जो मित्र शायद जो मेरे चैनल से मुक्ता जी के चैनल पर आए हैं वो तो काफ़ी सारे जानते होंगे। और आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। तो हम चेक कर लेते हैं कि किस तरीके से आपको सहज बैठ रहा है। तो दोस्तों पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ जो लोग मेरे बारे में नहीं जानते हैं। तो मेरा नाम सत्य चेतन है और मैं कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करता रहता हूँ।